विशेष है, यहाँ मकसद मौजू भी नहीं है एक टेक्स्ट की स्टडी क्या हो। मैं उस टेक्स्ट को प्रेजेंट करूँगा और उसके बाद इसके कुछ सेक्शंस बनते हैं, मिसन अगर कुछ की क्वेश्चंस मैं पोज करूँगा कि इस टेक्स्ट का अंडरलाइन कंसर्न क्या है। टेक्स्ट चुना गया उसके बाद ये सवाल बनते हैं। पहला सवाल कि व्हाट्स द अंडरलाइन कंसर्न ऑफ दिस टेक्स्ट, या व्हाट प्रोवोक्ड यू ऑथर टू राइट दिस टेक्स्ट। दूसरा सवाल कि इस टेक्स्ट का ऑडियंस क्या है। तीसरा सवाल टेक्स्ट का स्ट्रक्चर क्या है, उसको मैं बयान करूँगा। चौथा सवाल है कि व्हाट इज़ द टेक्स्ट आर्ग्यूइंग अगेंस्ट। ये दिलचस्प चीज़ है आपके लिए, आर्ग्यूइंग फॉर पहले के लिए, क्योंकि वो अंडरलाइन कंसर्न से क्योंकि आर्ग्यूइंग अगेंस्ट पे पहले आ जाएंगे, आर्ग्यूइंग फॉर उसके द्वारा बाद आ जाएंगे। उसके बाद कुछ कंक्लूजन होंगी। जब मैं कह रहा हूँ कंक्लूजन्स तो मैं अपने कंक्लूजन नहीं कह रहा, कोशिश यही होगी कि टेक्स्ट के अपने कंक्लूजन क्या। पहली चीज़ मैंने ये टेक्स्ट चुना की तो ही मैं बयान कर दूँ, मेरे नज़दीक इंतहाई अहम टेक्स्ट है हमारे माशरे के कॉन्टेक्स्ट में, और इसकी अहमियत खुद इस टेक्स्ट के अंदर मौजूद है। खुले अल्फाज से वाजे तौर पर बयान की गई है कि यह क्यों लिखा जाए। ये अराउंड 1912 की तहरीर है, अब चल रही है 2016। 100 साल बाद आप टेक्स्ट की रेलिवेंस अगर आपको नज़र आ जाए तो मुझे ये जवाब नहीं देना पड़ेगा कि मैंने टेक्स्ट में शुरू होता है तो वो बयान करते हैं हम दो सलात के बाद अर्ज़ है। उसे कहते हैं कि दीन के 5 अज़ा हैं, अवाम के जहन में 2 हैं, अकायद और इबादत। अकायद 1 हो गए, इबादत 2 हो गए। इस्लाही उलमाए ज़ाहिर, तो उलमाए ज़ाहिर ने मामलात को ऐड कर दिया, 3 हो गए। और फिर उलमाए बातिन यानी इस तरह इस्तेमाल के लिए मशायक का, मशायक ने चौथे को ऐड किया। तो जब चौथे को ऐड किया तो इखलाक़ी बातिनी को ऐड करते हैं कि लेकिन एक 5वें जुज़ को जो कि आदाब मुआशरत है, ठीक है, मुआशरत ज़िंदगी गुजारना, मिलजुल कर ज़िंदगी गुजारना, ठीक है। मैं इसको अगर ट्रांसलेट करूँगा अदाब माशरत को अंग्रेज़ी में, अगर मैं कॉन्फ्रेंस से प्रेजेंट कर रहा हूँ, अगर मैं इस टेक्स्ट को कहूँगा द आर्ट ऑफ लिविंग टुगेदर, कि ये बहस कर रहे हैं द आर्ट नॉट द अदर नॉट द एटिकेट ऑफ लिविंग टुगेदर बट द आर्ट ऑफ लिविंग। कहते हैं 5वें जो उसको जो अदाब माशरत है, करीब करीब इन तीनों तबकों ने इल्ला माशाअल्लाह अक्सर ने तो इतकादन दीन से खारिज होकर ताल्लुक़ करार दे दिया, और इसी वजह से और अज़ा की तो कमोबेश ख़ास तौर पर या आम तौर पर वाज़ होती है, तकीन होती है, तलकिन होती है वगैरह वगैरह, इस पे कोई बात करने को तैयार नहीं। तो बहस आदाब माशरत मौलाना थानवी इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कह रही हैं कि दीन का एक जुज़ कम्प्लीटली मिसिंग हो चुका है। इसके फ़ौरन बाद फिर वो कहती हैं कि और मेरे नज़दीक बाहमी उल्फत व इत्तेफ़ाक़ में जिसकी शरीयत ने ताकीद की है, सख्त ताकीद की, और इस वक्त अकलन भी बहुत चीख व पुकार कर रहे हैं, जो कमी है उसका बड़ा सबब ये सूए माशरत यानी खराबी, सू यानी बुराई, तो ख़राब बताओ है लोगों के बाहम जो इत्तफाक और उल्फत मोहब्बत नहीं है उसकी सबसे बड़ी वजह आदाब माशरत का ना होना, और इन शराह और इन सबाब इन बसात जो है वो भी नहीं, बस भी नहीं हो रहा और इन शराह भी नहीं हो रहा, तो सोल की एक्सपेंशन वो भी नहीं हो रही है, और एक सख्ती एक कंस्ट्रक्शन उसका एक मामला। उन्होंने कहा उसका बराह रास्त ताल्लुक आदाब माशरत के ना होने के लिए। अगला सवाल ऑडियंस को, उन्होंने कहा कि अगर ये रिसाला बच्चों बड़े बड़ों को भी पढ़ाया जाए तो माशाल्लाह आगे शुरू करते हैं, आगे जुमला मुकम्मल करते हैं, बच्चों को और बड़ों को भी पढ़ाया जाए तो ऑडियंस भी बढ़िया बयान हो गया, बच्चों के लिए भी है बड़ों के लिए, कि अच्छा अब मैं कुछ आजकल के मामला बताता हूँ कि क्या होना चाहिए। अदब 1, अदब 2, अदब 3, अदब 4, 120 आदाब उन्होंने बयान किए हैं जिनका बराह रास्त ताल्लुक हमारे माशरत से, जिस तरह से लोग रहन सहन हैं उसमें वो फिर अहकाम जो बहुत ही दिलचस्प हैं, उनमें से कुछ मैं पढ़ूंगा। तो लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि ये टेक्स्ट पढ़ा जाए और बाकी मैं आपको तेज दूँ थोड़ा सा, और आप उसमें फिर बाकी चीज़ों को देखिए कि बहुत ही अजीब गरीब कई दफ़ा तो फ़नी किस्म की आपको मिलेगी एडवाइस। अब हैरान होंगे कि ये बात भी कहने वाली है, लिखने वाली है, लेकिन वो समझते हैं कि लिखने वाली है। तो 10 समय का मुकदमा, उसके बाद आदाब दिए 120 के लगभग, और उसके बाद फिर थोड़ा सा सेक्शन है कंक्लूडिंग रिमार्क्स का, उस पर हम पढ़ते हैं जो मैं कंक्लूजन में आऊँगा तो उनका कंक्लूजन पेश करूँ। कुरान मजादला की आयत से वो शुरू करते हैं, ऐ ईमान वालों जब तुमसे कहा जाए कि मजलिस में जगह फराख कर दो, यानी खाली कर दो जगह, तो जगह को फराख कर दिया करो, और जब तुमसे कहा जाए कि खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। पहली मिसाल लाई जा रही है कि इसका ताल्लुक किस चीज़ से, क्या इसका ताल्लुक अकीदे से है, क्या इसका ताल्लुक इबादात से है, क्या इसका ताल्लुक मामलात से है,
किससे ताल्लुक है इसका? वो कहते हैं याद आलम माशरत से मुतालिक, फिर उसके फ़ौरन बाद दूसरों के घरों में बे इजाज़त मत जाओ, इजाज़त लेके जाओ, तो ये दूसरी उम्र दी। उसके बाद नबी पाक से हदीस करते हैं कि एक साथ खाने के वक्त दो दो छुहारे एकदम से ना लेना चाहिए, तब वक्त ये कि अपने रफीकों से इजाज़त ना ले, तीन हो गई। अब उसके बाद आगे बयान करने की ज़रूरत नहीं है, आपको टेक्स्ट के शुरू के जो सफ़ी हैं उनमें देख सकते हैं कि वो ये केस अपना बनाएंगे कि आदाब माशरे दीन का अहम और इस वक्त रेडार से गायब, बिल्कुल इससे पर्दा जा चुकी है जी। अच्छा, ये बयान करते हुए ये जब ये शुरू में कुछ कुरान और हदीस से दलाइल देते हैं तो उसके साथ वो थोड़े थोड़े प्रिंसिपल्स ले आउट करते जा रहे हैं, वो मतलब मैं या तो भी बात करूँ या ऑडियन फॉर्म में आ जाएगा। वो साथ साथ एक कुरान और हदीस की जो भी ये साइटेशन है उसमें से एक असूल निकालते हैं। प्रिंसिपल क्या हुआ, किसी को खफीक सी ज़रा सी भी तकलीफ पहुँचे तो ये ठीक नहीं है और ये दीन का हिस्सा है, इससे आप भाग नहीं सकते। तो ये साथ साथ कुछ प्रिंसिपल्स ले आउट करते जा रहे हैं इसलिए कि कहाँ कहाँ पर, वो कहते हैं दूसरों के राहत की रियायत, दूसरों को आसानी देना, ये आदाब माशरत का एक कायदा है। दूसरों की नागवारी से इज्तनाब, ऐसा काम जिससे दूसरे को नागवारी हो, वहाँ पर उन्होंने एक हदीस की। अच्छा, ये 10 सफ़े में फिर वो सारी मिसालें दे रहे हैं कुरान से, हदीस से, नबी पाक की सीरत से और उससे केस बनाते हैं। उसके बाद कहा कि ये अब दिलचस्प है, ऐसा अमर जिससे दूसरा शख्स शर्मा जाए, बात साफ की जाए, साफ किया जाए, सीधी बात की जाए। अभी मैं आपको वो तज़ीम व अदब जो किसी के मजाज के ख़िलाफ़ हो वो मत करें, इस तरह की जो खिदमत कोई कराना नहीं चाहता, जो उसके मिजाज के ख़िलाफ़ हो ऐसी खिदमत करने की कोशिश ना करें। ऐसा कोई मामला जिससे अगले के कल्ब को तंगी हो, कल्ब की तंगी आप ना पैदा करें। इस सेक्शन में भी नतीजा निकालते हैं कि लोगों की अज़ियत के असबाब का इंसदाद ख़त्म करना उसका नहायत ज़रूरी है। ठीक, ये अब दीनी ज़िम्मेदारी के तौर पे पेश किया जाता है टेक्स्ट के अंदर। ये जो हेडिंग्स हैं ये बाद में इंट्रोड्यूस हुई हैं, जो ओरिजिनल टेक्स्ट जो मेरे सामने रहा है उसमें ये हेडिंग्स नहीं थी और कुछ चीज़ें ऐड भी की हैं। उन्होंने एक लिखा कि ये उनके शागिर्द ने लिखा और फिर उन्होंने जाके मान थामी से इसकी तस्वीर भी करा दी और वो भी शामिल किया, बेशती जेवर से भी कुछ चीज़ें डाल दी, वहाँ से टेक्स्ट के साथ बहुत कुछ होता है। तो तकसीम ये बनाई गई है कि मुलाकात के आदाब हैं वो तकरीबन 12, उसके बाद तकरीबन 70 मेहमानी के आदाब हैं। अब टेक्स्ट का एम्फसिस है कि मेहमान नवाजी, मेहमानी, उसके मराइल में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ये टेक्स्ट की मेरी रीडिंग है कि जहाँ पर 70 जो हैं वो एसोसिएटेड हैं मेहमान से। अच्छा, उसके बाद उन्होंने 7-8 हैं वो रैंडम हैं। फिर हदिया देने के आदाब, वो मैं स्किप कर दूँगा, वही बताया है उसमें 7-8 चीज़ें काम की। आदाब ख़तो किताबत, वो एक फिर बेजती जेवर से कुछ लिए गए तकरीबन 10 से। उन्होंने कहा बड़ों के लिए खसूसी आदाब अच्छा जी, पहला पढ़ देता हूँ। जब किसी के पास मिलने या कुछ कहने जाओ और उसको किसी मसरूफियत की वजह से फुर्सत ना हो, मसलन कुरान की तलावत कर रहा है या वजीफ़ा पढ़ रहा है, कसदन मकाम खलवत तन्हाई में बैठा कुछ लिख रहा है या सोने के लिए आमादा है, या अलामात से कोई ऐसी हालत मालूम हो जिससे गालबन इस शख्स की तरफ तवज्जो मुतवज्जो होने से इसका हर्ज होगा या उसको गरानी और परेशानी होगी, ऐसे वक्त में इससे कलाम व सलाम मत करो, बल्कि या तो चले जाओ और अगर बहुत ही ज़रूरत की बात हो तो मुखातिब से पहले पूछ लो कि मैं कुछ कहना चाहता हूँ, फिर इजाज़त के बाद कह दे, उससे तंगी नहीं होती, या फुर्सत का इंतज़ार करो, जब उसको फारग देखो तो मिलो। मुसाफा ऐसे मत करो कि दूसरे के हाथ ऐसे शुगल में रुके हों कि हाथ खाली में उसको तरह तो दो, नाम पर किफ़ायत करो। इस तरह मशगूली के वक्त में बैठने के लिए मुंतज़र इजाज़त मत रहो बल्कि खुद बैठ जाओ। ठीक, तीसरा, अभी ये मैंने आपको बताया था कि ये जब ये अभी आ जाएगा, चलो एक सेकंड रुक जाते हैं। जब किसी के इंतज़ार में बैठना हो तो ऐसे मौके पर उस दौर से मत बैठो कि इस शख्स को ये मालूम हो जाए कि तुम उसका इंतज़ार कर रहे हो, इससे खामखा उसका दिल परेशान हो जाता है और उसकी यकसुई में खलल पड़ता है, बल्कि उससे दूर और निगाह से पोशीदा होकर बैठो। ठीक, चौथा, ये आ गई बात, आपने पहले ये प्रिंसिपल देख चुके हैं, बाज़ आदमी साफ बात नहीं कहते, तकल्लुफ़ के कनायात के इस्तेमाल को अदब समझते हैं, इससे बाज़ों का मुखातिब नहीं समझता या गलत समझता, इससे फ़िलहाल या फिलमाल आइंदा परेशानी होती है, बात बहुत वाजे करना चाहिए। किसी के पास बैठना हो तो ना इसके अगर मिलकर बैठो इसका दिल घबराए, ना इसके अगर फासले से बैठोगे बातचीत करने में दिक्कत हो। फर्क नंबर 82, एक शख्स आए दरिया फरमाया कैसे तशरीफ़ लाए, कुछ फरमाना है, जवाब में कहा जी नहीं, वैसे ही मुलाकात के लिए हाजिर हुआ था, जब जाने लगे मगरिब के बाद फ़र्ज़ व सुन्नत के दरमियान में तावीज़ की फरमाइश की,
फरमाया हर काम के वास्ते एक मौका और महल होता है, ये वक्त तावीज़ का नहीं। जब आप तशरीफ़ लाए थे तो मैंने आपसे पूछा था, आपने फरमाया था वैसे ही मुलाकात के वास्ते आए हो, अब इस वक्त ये फरमाइश कैसी? इस वक्त पूछने के साथ ही आपको फरमाइश करनी चाहिए। अब ये उसके बाद कहते हैं लोग इसको अदब समझते हैं, मेरे नज़दीक ये बड़ी बेअदबी है। इसके मानी तो ये है कि दूसरा शख्स हमारा नौकर है कि जिस वक्त चाहे फरमाइश करें, और आगे इस तरह के जाए। ठीक है सर जी, खुलासा इन तमाम आदाब का ये है कि अपने किसी को लो फेल या हाल से दूसरे की तबीयत पर कोई बात या परेशानी या तंगी ना डालें। यही खुलासा है उसने अखलाक का। जो शख्स इस कायदे को ज़हन-नशीन कर लेगा वो ज़्यादा तफसील से मुस्तगना हो जाए। अगर ये कायदा आपको समझ में आ गया, कायदा क्या है कि किस अपने किसी कॉल और फेल या हाल से, तीन चीज़ें कॉल फेल और हाल से, किसी दूसरे की तबीयत पर कोई बार या परेशानी या तंगी ना हो। अगर ये कायदा आपको समझ आ गया है तो इसकी तफसील में ना भी पढ़ा जाए, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अलबत्ता इस कायदे के लिहाज से इतना काम और करना पड़ेगा कि कॉल और फेल के कबल ज़रा सोचना होगा कि हमारी ये हरकत मुझे भी ईजाद ना होगी, फिर गलती बहुत कम होगी और चंद रोज़ के बाद खुद तबीयत में सही मजाक जोक किए मजाक शुक्र मेरा नहीं जोक से मजाक मिजाज जिसे आवाज में आजकल कहते हैं, ये सही मजाक पैदा होगा और फिर सोचना भी नहीं पड़ेगा, ये सब अमर मिसल तबई हो जाएंगे। यानी नेचुरली अब आप इस तरह से कुछ आदाब इसमें अमूमी हैं, कुछ मखसूस हैं, जहाँ पर तकल्लुफी की फ़िज़ा हो वहाँ पर चेंज हो जाती है। एक जगह पर इन्होंने कन्फेशन भी किया तो कुछ उन्होंने इस तरह कहा कि मेरी तबीयत में ज़रा सख्ती है खुदा में कुछ इस तरह की उन्होंने बात की है कि मेरी ज़रा तबीयत सख्त है तो मैं ज़रा ज़्यादा सख्ती कर जाता हूँ, ये उन्होंने इसी में नहीं लिखा मुझे मिल सका। तो बराह रास्त ताल्लुक कम्युनिटी डेवलपमेंट से ये शुरू में ही बात मैंने वो जो पढ़ के दो उनके सुनाए थे कि उन्होंने कहा था कि ये बाहमी उल्फत, इसलिए इसमें है ही मसला बाहमी, इसका पूरा फोकस ही इसी में कहता आर्ट ऑफ लिविंग, इसका लिविंग टुगेदर से ताल्लुक है, इसका आपने कैसे जीना है इससे बराह रास्त ताल्लुक है, लोगों ने कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे होती, कह रहे हैं कि इन प्रिंसिपल्स को अगर फॉलो किया जाएगा तो तब कम्युनिटी बनती है। बेहतर नहीं कि हम इल्म और इखलाक लोगों को देते हैं, कह रहे हैं कि जो कह रहे हैं कि आजकल हम इस मौजू पे बात नहीं कर रहे, ज़्यादा बातचीत जो हो रही है वो मसाइल पे हो रही है, मतलब मेरा आपसे अकायद पे नहीं हो रही, इबादात पे।